बॉलीवुड में इन दिनों चर्चा बॉलीवुड के दादा डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं, बीते काफ़ी समय से मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में नज़र नहीं आए हैं, लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और ही है। खैर, आपको बताना चाहेंगे हम, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म लाई जा रही है, द ताश कंद फाइल्स। और इसी के प्रमोशंस में जुटे हुए हैं बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। ये खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन फिर मिथुन चक्रवर्ती को लेकर खबर भी आई। खबरों की माने तो अपने पीठ दर्द से परेशान मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में हैं, जिन्हें केरल में अपना इलाज करवाना पड़ा। तो इसी के साथ खबर ये भी आई कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब भी पापा लॉस एंजल्स जाते हैं तो लोग मान लेते हैं कि वो बीमार हैं, ऐसा कहना है मिथुन के बेटे नमाशी का। बता दें, केरल में अपनी पीठ के दर्द की वजह से थेरेपी ले रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, यानी कि ट्रीटमेंट उनका अस्पताल में चल रहा है, केरल के एक जाने माने अस्पताल में। वहीं आपको बता दें, अपनी फिल्म द ताश कंद फाइल्स की रिलीज से पहले मिथुन चक्रवर्ती मुंबई जरूर आ जाएंगे, इस बात की खुशखबरी तो दी है उनके बेटे नमाशी ने। लेकिन शायद आपको मालूम ना हो कि मिथुन बीते कई महीनों से टीवी के फेमस रियलिटी शो में जो नजर आते थे वो भी नजर नहीं आए। मिथुन की तकलीफ बढ़ गई है, और बुढ़ापे में तकलीफ का बढ़ना इस बात की तरफ इशारा करता है कि मिथुन अपनी इस गंभीर बीमारी की वजह से ही लोगों से दूर है। और ये जानकर उनके फैंस दिल से रो तो जरूर रहे होंगे, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं, पूरे के पूरे नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के परिवार की तरफ से यही दुआ करते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को अपने पीठ के दर्द से जल्द आराम मिले और वापस वो मुंबई लौट जाए। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।